बलिया बस्ती के महकमा तेबा और उस्मान मेमोरियल अस्पताल के बाहमी इश्तराक से अहमदाबाद मैटरनिटी अस्पताल में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का मुआयना किया गया। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने एक रोजा तिब्बी कैंप का दौरा किया, इंतजाम पर अपने इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार किया। इस मौके पर बल्दिया बस्ती के महकमा सेहत की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सोहेल अहमद, उस्मान मेमोरियल अस्पताल और मोहम्मदी ब्लड बैंक की इंतजामिया और काउंसिल अराकीन भी मौजूद थे। उन्होंने कैंप पर आने वाले मरीजों से मुलाकात भी की और इन्हें कैंप में दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर रेहान हाशमी ने कहा कि अवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की फरहमी हक परस्त क़यादत का विजन है। हुकूमती अदम सरपरस्ती के बावजूद प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह आवामी खिदमत के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वो काबिले दीद और खुशाइंद है। उन्होंने उस्मान मेमोरियल अस्पताल और मोहम्मदी ब्लड बैंक से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इनका बल्दिया बस्ती के साथ इश्तराक बल्दिया बस्ती पर एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में आवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की मुफ्त फरहमी एक छोटी सी काविश है। आवामी मसाइल व तकालीफ के तदारुक के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे दिन रात कोशा हैं और हमारी कोशिश है कि अपनी इस काविश को बरकरार रखें। कैंप के इख्तिताम पर चेयरमैन रेहान हाशमी ने मुंतजमीन को खुसूसी तारीफी इस्नाद भी तकसीम की। रियासना मुफ्त तिब्बी कैंप में 1000 से ज्यादा अफराद ने अपना तिब्बी मुआयना कराया। तिब्बी कैंप में मरीजों के मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट भी किए गए।